रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुम जिस दिन हाँ कहोगी वो लड़का बहुत लकी होगा एंड आई होप कि तुम्हें जैसा लड़का चाहिए वैसा ही लड़का मिले। मैं नहीं करने वाला शादी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भरोसा करो, अपने दिल में प्यार और रिस्पेक्ट की जगह बनाओ। बेटा कुंदक निकाल रही है, उसको लगता है कि मैंने उसकी बेस्ट फ्रेंड को चीट किए, इसीलिए हमारी फाइल लटका दिया उसने। ऋत्विक, तूने सिर्फ आपका जमीन नहीं खरीदा, मेरे आदर्शों को खरीद के फेंक दिया। आई कांट बी योर सर, आप इसे मेरा रेजिग्नेशन समझ सकते। आपने बुलाया था? हाँ, बैठो ना प्लीज। पलक, मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता, बट आई डू थिंक आई ओ यू एन एक्सप्लेनेशन। क्या आपने जो किया वो क्यों किया? शायद मैं समझ सकती हूँ। क्या? कि हर आदमी की कीमत होती है शायद, और इस बार मेरी कीमत मेरी फैमिली थी। मैंने तुमसे झूठ बोला था जब मैंने कहा कि मैं मुंबई में हूँ, उस वक्त मैं इधर दिल्ली में ही था। और अगर मुंबई का होता ना तो रिकॉर्डिंग भी मराठी में होती। झूठ किससे बोल रहे थे सर, दिल्ली या बाबू जी के लिए? बाबू जी का नंबर है? हाँ, आई थिंक है। अगर मेरी वाइफ को पता चल जाता तो मेरी फैमिली टूट जाती, हम बिखर जाते। ह्यूमन रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं पलक। खैर, मैं उसमें नहीं घुसना चाहता, पर आज सुबह जब तुमने रिजाइन किया तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मुझे लगा कि तुम्हें सच बताना मेरा फर्ज है। गलत सही जो कुछ भी किया मैंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया, बस दैट्स ऑल आई नो। सर, आपको जो करना था आपने किया, पर हम सब में एक रॉन्ग और राइट का मीटर होता है। जो आपको सही लगा वो आपने किया, जो मुझे सही लगता है वो मैं करूँगी। शायद इस सिस्टम में रह के मैं कुछ ना कर पाती, पर ये जॉब रिजाइन करके मैं उस ऋत्विक नून को रोक के रहूंगी। मैं उस ऋत्विक नून को ये दवाई लॉन्च नहीं करने दूंगी, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। कल वो हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है, हेल्थ मिनिस्टर साहब आने वाले हैं। बेटर टेक सम कोट्स फ्रॉम हिम, राइट? सर, मेरा आईडी कार्ड गुम गया है। हाउ इररिस्पॉन्सिबल यू आर, सेतु कहाँ गुम गया? सर, एक्चुअली कल रात को पलक, आई मीन मैं, कैन आई मीट सेतु वर्मा? सर, जस्ट वन मिनट। कौन है तुम और ऊपर आने की परमिशन किसने दी तुम्हें? वाह, उसे रहा नहीं गया होगा तभी किस कर बैठा। व्हाट? एक्सक्यूज मी, व्हाट? आई एम सॉरी, आई मीन कल रात आप ऋत्विक नून के कमरे में अपना आईडी कार्ड भूल आए। रियली? कल तुम नून्स की पार्टी में गई थी, आई होप कि अच्छी पिक्चर्स ली है। सर, जस्ट गिव मी वन मिनट। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? एक्चुअली कल रात मेरा दोस्त और आप, आई मीन यू हैड गॉन टू हिज रूम और उसने आपको किस कर लिया। आई नो वो आपको किस करना नहीं चाहता था, वो किसी और के लिए वेट कर रहा था, लेकिन उतने में आप आई और वो किस हो गया। आई एम श्योर, नो, आई एम 100% श्योर कि इट वाज अ केस ऑफ गलतफहमी। गलतफहमी एक नहीं थी, बहुत सारी। बाय द वे, इट वाज नॉट मी, इट वाज माय फ्रेंड। सॉरी? या यू गाइस शुड बी सॉरी। किस तरह का आदमी है वो ऋत्विक नून, जिसे ये नहीं पता कि वो किस लड़की को किस कर रहा है? अरे किस तरह के लोग हो यार तुम? एंड व्हाट आर यू स्माइलिंग अबाउट? जस्ट गिव माय कॉल। सही कहा आपने, उसे किस करने से पहले सोचना चाहिए था। बाय द वे, आई एम रोहित पुरी, यू आर सेतु, राइट? मेरा आईडी कार्ड देख के मेरा नाम देख लिया, फुल पॉइंट्स टू यू। हां, ओके ओके ओके, आप नाराज हो बनता है, लेकिन माफी भी तो बनती है ना। डोंट जज अ दोस्त बाय हिज दोस्त। हैव यू हर्ड ऑफ दैट फ्रेज, जैसी संगत वैसी रंगत? आई होप यू गेट द आइडिया, एंड थैंक्स फॉर द कार्ड। सो स्वीट। सर, इनॉग्रेशन के लिए कितने बजे? सेतु, तुम नूम्स की पार्टी में गई थी कल, तो कवर क्यों नहीं किया? व्हाट वाज दैट गाय सेइंग? तुम उसके रूम में थी, ऋत्विक नून के रूम में, एंड नो पिक्चर्स एट ऑल। हाय सेतु, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। कल रात को तुम्हारे फोन पे पानी गिर गया था और तुमने मेरे फोन से फोटोग्राफ्स खींचे थे, तो इसे जल्दी लो, कॉपी करो और मुझे वापस करो।
I knew it, Setu. Good job, good job. Thanks, yeah. Rohit Puri. Rohit. Setu ke liye, anything. Fab, yeah, guys. Fab. Amazing job. Now, Setu, go quickly, copy the photos and come back. Go. You're welcome. Kis liye? Jo thank you tum mujhe bolna chahti thi aur nahi bola uske liye. वैसे मेरा फोन तुम्हारे पास है, चाहो तो अपना नंबर फीड कर सकती हो उसे. काश मैं चाहती, but no thanks. सोच लो, अगले बार पार्टी के लिए इनविटेशन प्रॉपर आएगा. Oh wow, really? No thanks. बहुत अच्छा सबक सिखाया तूने उस लड़की. Dude, personal हो रही थी वो. उसे लग रहा था कि मैंने आरव की जिंदगी खराब की तो मुझसे बदला ले सकती. Expression रोक देगी वो. लड़कियों की ना ये प्रॉब्लम. प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग नहीं रख सकती है लड़कियां. शी हैड टू बी टॉट लेसन. समोसे समोसे भी है. एंड में तू ही जीता ना. बात हार जीत की नहीं है यार. डैड का सपना था. दिस ड्रग इज गोना बी द फ्यूचर ऑफ नून बायोटिक्स. ये एक मिरेकल ड्रग है यार. जिस दिन ये मार्केट में चलेगी ना उस दिन हम लाइफ सेव करेंगे यार. और ये हम लोग करेंगे, नॉट दैट स्टूपिड गर्ल जो एक बदले की वजह से हम लोगों को रोकना चाहती थी. और उसे पता होना चाहिए कि नून्स के साथ पंखे लेने का क्या मतलब होता है. एब्सोल्युटली. ये सब खा के पतले कैसे रहते हो तुम? जिम जाता हूँ. चुभी कर ले. इट्स जेनेटिक्स. चुभी कर ले. आहा मेरे शेर. पेत्रा पुत्र. या मेरे को एक बात बता. आर यू अ मैजिशियन? मेरी वो फाइल इतने महीनों से अटकी हुई थी, तूने दो ही दिन में कैसे क्लियर करा दी? करेक्शन डैड, एक दिन. हाउ ठीक है. चल रे. अरे फाइनल है, मैच चल. चल चल चल. हाय डैड. हाय. हेलो यार ऋतिक, तेरा बाप भी अजीब है. अच्छा खासा मीटिंग अटेंड करने कलकत्ता जा रहा था, इसे कैंसिल करा के यहाँ बुला लिया. थैंक यू स्टार्स अंकल. पापा का बस चलता ना, सीधा स्टेडियम बुलाते हैं. अरे प्रणव, काम रोज होता है, जिंदगी भर होता रहेगा. मैच है, मैच फाइनल, एंजॉय करो. ओए हमने कहा विजय यार, तेरे मुंडे ने तो सारे बिजनेस को संभाल लिया. ओए हम तो अभी तक मैनेज कर रहे हैं. थैंक्स. वैसे आपने सही कहा, ऋतिक ने सारा मसला हल कर दिया है. मेरा पट्टा है, मेरा बच्चा, प्रॉब्लम सॉल्वर बच्चा. दैट इज नॉट जस्ट मी, रोहित और अमन ने मेरी पूरी हेल्प की है. ये ना पावर टीम जैसे आप लोग हैं. वाह वाह ऋतिक, नून तुझ पे ना ये हम्बलनेस अच्छी नहीं लगती. तू जैसा है ना वैसे ही रही हो. तो मैं तुझे पहले ही बोला था हमारी टीम जीतेगी. क्या रो रहा है? गेम ना कभी भी चेंज हो सकती है. क्यों तू बैट लगाने वाला है क्या? अमित को याद है ना लास्ट टाइम तूने बैट लगाया तब क्या हुआ था? इसके दिल पे चोट पहुंची थी. यार कोई टेप लेके सब मुंह बंद करो. बक 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 चल इसका. ए वो गोद में बैठ जा ना उसकी. उधर रो. व्हाट्स योर प्रॉब्लम? सीरियसली ब्रो, वेयर इज अनन्या मैडम दिस डे? तेरी बहन को टाइम कहां है? हर बार पोस्टपोन कर देती है टिकट्स, अगले वीक तक आ जाएगी. बट शी कम राइट, आई एम गोना मिस हर. तुम लोगों को गैंग अप करने का मौका मिल जाता ना इसीलिए. तो क्यों ना करूं? तुम दोनों ब्रो ब्रो करते हो तो मैं नहीं कर सकती. शी माय गर्ल पाल. यो गर्ल पाल. उसको पानी पानी क्या है इतना? नो नो सो व्हाट, एज़ लॉन्ग एज़ शी इज़ कमिंग टू द वेडिंग. पहले डेट तो फिक्स कर ले. क्यों समर, प्लीज यार समर इसे जल्दी लेके चल, हमें मौका दे इसे छुटकारा पाने. बोल ले कुछ भी बोल ले. आई डोंट केयर. रियली हो गया तुम्हारा? हो गया बचकन. डू जस्ट टेल योर सिस्टर दैट अगर मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई और वो नहीं आए ना, आई एम गोना किल दैट मोमेंट. किल हर. सानू की ऋतिक मुन बड़ा खुश हो रहा होगा कि उसकी दवाई पास हो गई. बट आई कांट लेट इट हैपन यार, आई हैव टू स्टॉप हिम. तू खाना बंद करेगी? एसिडिटी हो रही है, भूख लग रही है, खाओ ना. है ना यूज़लेस. ये सब छोड़, तुझे कोई दवाई की इन्फॉर्मेशन मिली? कोई अपडेट कब लॉन्च हो रही है? जब दवाई लॉन्च होगी उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना. अभी मैं क्या लिखूंगी? आई कैन नॉट राइट एनी स्टोरी विदाउट दैट. पर सेतु अगर दवाई मार्केट में लॉन्च हो गई तो क्या फायदा यार? हमें मार्केट में आने से पहले रोकना है उसे. कैसे? वही तो सोचना है. कौन हमारी हेल्प कर सकता है? कैसे इन्फॉर्मेशन पता लगेगी? This guy, यार, super cheap here. Which guy? ऋतिक का friend रोहित, याद है? क्या कह रहे? आज शाम को इवेंट है, तुम आओगी क्या? ये वो. क्या इवेंट? क्या है? ऋतिक के घर पे एक छोटी सी पार्टी है. It's a private get together. He wants me to come for that. तू इनवाइटेड है वहाँ पे? अच्छा क्यों? You know how it is यार. ऋतिक के सारे दोस्त कितने बड़े कमीने, you know ना? मुझे हीरोइन ही बनना है. You know what happened with हीरोइन? See, तो this is it. यही मौका है.
तो जा रही है पार्टी में. बट इट्स अ स्मॉल इवेंट, इट्स अ स्मॉल पार्टी. घर के 30-40 लोग होने वाले हैं. मैं जाऊंगी वहां पे, कितना और लगेगा यार. और ऐसा नहीं कि वो मुझे अपने घर पे बुला रहा है. ही इज कॉलिंग मी एट हिज फ्रेंड्स हाउस. हाउ टैकी इज दैट? अच्छा सुन ना बेबी, तू पार्टी में जाएगी तो उससे दोस्ती करेगी, उससे बातें करेगी, उससे इन्फॉर्मेशन लेके आएगी कि ड्रग कब लॉन्च हो रहा है ना. मरवाएगी तू मुझे. नहीं जा रही हूँ कहीं पे. मुझे तो लगा था जर्नलिस्ट का काम यही होता है, लोगों के लिए अपनी जान पे खेल के इन्फॉर्मेशन निकालना. बट सेतु, इट्स नॉट फनी. लोगों की जान जा सकती है यार. क्या हुआ? जाने के लिए नाना पड़ेगा ना बेबी. मम्मी जी, आपने दवाई नहीं खाई होगी ना अभी तक. मुझे पता था. तारी, आप इनको दवाई के लिए लेके जाइए. अभी बिल्कुल मत छोड़िए. अरे ये क्या है? दवा नहीं खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी. और जरूरी है दवा खाना. क्या सभी लड़कियों को यहाँ लेकर क्यों आई हो? की हो लो? What's your problem? ऋत्विक नून. अरे उसके बाप को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन लड़का बहुत बदमाश है. And that's it. उस पे हल्की सी फूंक मारो तो आग लपकने लगती है. I love old fireplaces. Really? It's so romantic, you know. सालों से जानते हैं एक दूसरे को. देखो नॉर्मल बातें कर रहे हैं. क्या बातें कर रहे हैं? आग लगाना सिखा रहे हैं. कहाँ आग लगा रहे हैं? Fireplace में या घर में? अनफ, धीरे बोलो. तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारे डैड की नजर यहीं टिकी हुई है. प्रणव चलो. डैडी भी ना ट्रस्ट इश्यूज. अरे उनकी गलती नहीं है यार, उन्होंने मेरी अचीवमेंट्स के बारे में कुछ ज्यादा ही सुना. इनफैक्ट वो अभी तुम्हारे मॉम को बोल रहे हैं कि ये लड़का दो लड़कियों से बिना फ्लर्ट किए बात ही नहीं कर सकता. हाउ मीन. वेल तो तुम कर रहे हो फ्लर्ट. स्मार्ट तुम्हारी मॉम. मैं जानती हूँ उन दोनों को. वो लोग ऋत्विक के चार्म से इंप्रेस नहीं होने वाली हैं. वो तुम्हारे डैड को बोल रही हैं कि डोंट वरी, ये दोनों उस लड़के में इंटरेस्टेड नहीं हैं. नहीं, मॉम ना थोड़ी इनोसेंट है. जस्ट लाइक यू. अरे शिवू, दूसरी पेस्ट्री खा रहा है, क्या हो गया तुझे? सनाया के लिए. बिल्कुल नहीं, चल बदमाश. सच्ची? अरे और फिर आपको और बढ़ाने के लिए यू गॉट ऐड अ बिट ऑफ फ्यूल. गो अहेड. और अब आग पूरी तरह से लग चुकी है. वेल यू सो गुड ऋत्विक, हाउ डू यू डू दिस? सो कल शाम को 6:30 बजे. मैं या तुपुर? क्या फर्क पड़ता है स्वीटहार्ट, इट्स अ पार्टी, मोर द मेरियर, एंड आई कैन हैंडल बोथ ऑफ यू. कल मिलते हैं. आग पूछने मत देना. He's so hot. है ना? क्या खाना चाहिए? वो डाइट पे. गेट योर ओन. व्हाट इज दिस? ए पनीर क्या खा रही है? पंडारा रोटी से टिक्के मंगाने को कहा था ना तेरे को मैंने. घर पे इतना खाना है मेरा, पंडारा रोटी टिक्के चाहिए. मुझे वही चाहिए. आई वॉन्ट वॉट आई वॉन्ट. वो तो दिख ही रहा है ना? तापुर तापुर से ना बच के रहना. पोसेसिव फादर. कुछ हो गया ना तो डैड को सॉरी कहना पड़ेगा. डैड को? मेरे लिए सॉरी. तो आज तक कोई भी कान पकड़ गया मेरा? अच्छा किसी दिन अंकल से बहुत पिटेगा तू. वैसे एक बात बता, ये सब कर कैसे लेता तू? क्या ये लड़कियों में आग लगाने वाला चीज टैलेंट है? मुझसे क्यों नहीं होता? क्योंकि तू बहुत कोशिश करता है. लड़कियों को छोड़ देना चाहिए, अपने आप वापस आते. रियली? लेकिन ये फॉर्मूला सब पे नहीं चलता. पलक पे तो नहीं चला. तूने उसे फील कराया कि यू डोंट लाइक हर, लेकिन वो तेरे पीछे नहीं आई. हाउ डू यू नो? तुझे कैसे पता? घर बैठ के रो नहीं रही वो मेरी जीत पे और अपनी हार पे. रोहित बेटा, तुमसे कोई मिलने आया है? कौन? लगता है कोई खास. व्हाट? व्हाट? फ्रेंड है. ओके. अरे सच में फ्रेंड है? फाइन, उससे बात करना. सही. जितना दूर रखेगा उतना पास है. जो सही. कमीने, ओए आराम से. Thank you.
एक्चुअली मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, सो आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड. मुझे तो जानती है ना. कम इन. मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी. मैंने सोचा आ जाती हूँ. रियली? या आई मीन तुमने बुलाया था मुझे, सो आई थॉट आई कम. वैसे कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा मेडिसिन लॉन्च हो रहा है राइट? क्या नाम है मेडिसिन का? एक्सीजन राइट? हाँ. लेकिन मैंने सुना था कि ये परमिशंस में बहुत प्रॉब्लम्स थी. मेरी फ्रेंड पलक है ना, शी वाज टेलिंग मी. यार तुम्हारी फ्रेंड ने इतनी गड़बड़ कर दी. क्यों? बिना मतलब मेरे दोस्त से पंगा. वो तो है ही पंगेबाज यार. ये भी कुछ कम नहीं है पंगेबाज. मुझे लगता है हमारे ना दोनों के दोस्त एकदम यूजलेस है. इनफैक्ट मैंने पलक से कहा कि यार ऋत्विक ने जो भी आरोही के साथ किया कीप इट असाइड ना. इनफैक्ट दवाई का लॉन्च तो नहीं रोकना चाहिए राइट? वही तो. एंड थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग यार. अब दवाई तो हमें लॉन्च करनी थी और ये पलक साइन ही नहीं कर रही थी, तो हमने डॉक्टर रेड्डी को लैपटॉप में ले ली. दैट्स रियली कनिंग. अब दवाई तो लॉन्च करनी थी ना. हां दैट्स ट्रू. अपना काम निकालना चाहिए किसी भी किसी तरह. दैट्स राइट. कल क्या कर रही हो? कल थोड़ा बिजी हूं मैं. क्यों, कल लॉन्च है क्या? परसों. अच्छा परसों है लॉन्च. वैसे लॉन्च तो बहुत बड़े स्केल पे हो रहा होगा राइट? आई मीन ऋत्विक को मानना पड़ेगा इतनी परमिशंस की प्रॉब्लम्स की. ओ हेलो हेलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट. ऋत्विक नून ऐसा कुछ नहीं है. जो कुछ कर रहा था मैंने किया है. ऋत्विक अकेला कुछ नहीं कर सकता. आई एम इम्प्रेस्ड. और इसीलिए मैंने ऋत्विक को कहा कि यहाँ पे तेरा चार्म नहीं चलेगा, यहाँ पे स्मार्टनेस की जरूरत है. ग्रेट. तो कब है ड्रग लॉन्च? बता दो. तुम कितने स्मार्ट हो यार. वो क्या है ना, ऋत्विक और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं. हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, कमाल की है. ट्रस्ट करता है वो मुझे. अच्छा सुनो, मुझे जाना होगा. पर अभी तो आई हूँ. और अभी जा रही हूँ. कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, वो मैं तुम्हें कल बताऊंगी. And I know you're really good at keeping secrets, huh? Bye. या तो टेढ़ी चलती होगी इसलिए नहीं मिला. क्या हो गया? मिलवाया क्यों नहीं? तुझे लड़कियों से मिलाने है? सुसाइड, पागल हो गया तू? ओए तेरा पता थोड़ी काटूंगा यार. तू जानबूझ के थोड़ी ना करता है, हो जाता तुझसे. तू खुश है ना? हो जाऊंगा. कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. तू रहने दे. तू जब भी ये बोलता है ना कुछ बड़ा होने वाला है, सच में कुछ बड़ा हो जाता है. हंस के रहे हो तुम. तू हमेशा ऐसे करता यार. यार ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है. आई नो राइट. अब देख तू उस ऋत्विक नून की नम है. एक हफ्ते में दवाई मैन्युफैक्चर हो जाएगी विद इन वन मंथ आउट इन एवरी स्टोर. वो रोहित कितना पागल है, उसे सब बक दिया यार. वो ऋत्विक नून चाहे जितनी मर्जी प्लानिंग्स कर ले, मैं बता रही हूँ उसकी मेडिसिन लॉन्च नहीं होने दूंगी. यस बेबी हेडलाइंस. अरे वाह भाई वाह, तुम बड़ी खुश लग रही हो. ओ कुड़ियों, तुम नॉर्मल लड़कियों की तरह लड़कों के बारे में ही बातें कर रही हो ना? हाँ जी, लड़कों के बारे में ही बात कर रहे हैं. आयो रब्बा, मैं मर जावा गुड़ खा के. ओए ओए सेतु पुत्र, रब तेरा पला करे. कौन है वो लड़का डसना? अरे बताऊंगी. बहुत हो गया ऋत्विक नून, इस बार मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगी. ऋत्विक नून, मैं तुम्हारी अस्थि दुनिया के सामने ला कर ही रहूंगी. अब रब के वास्ते जल्दी से दवा खाओ और सो जाओ. अरे मम्मी जी, सोए नहीं तुझे उन तक? खुशी के मारे नींद नहीं आ रही है. चुप कर. मैं भी जा रही थी सोने. मम्मी दवाई तो खा ली है ना? नहीं अभी तक नहीं खाई है. मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बाहर की दवा नहीं खाऊंगी. मैं खाऊंगी तो मेरे पोते की फैक्ट्री वाली दवा खाऊंगी. मम्मी अभी उसे टाइम लगेगा, अभी तो सिर्फ सैंपल तैयार हुए हैं. एक बार बस मार्केट में आ जाए ना तो फिर आप लेना. ले, मैं मार्केट का क्यों इंतजार करूं? मैं तो फर्स्ट कस्टमर हूं. अब मेरा बेटा बना रहा है तो मैं वो दवा क्यों नहीं खाऊं? वो तो बड़ी खुशी की बात होगी, बट अभी आपको पुरानी वाली दवाइयां ही खानी है. वो ना आप दवाई खाइए और फिर जल्दी से सो जाइए, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर फिर से हाई हो जाएगा. ममता तू दूसरे बहुओं के जैसी क्यों नहीं है? हा? जो मेरे हाँ में हाँ मिलाए, मेरे पीठ पीछे जाके बुरी बातें करे. जो है सो है. आप मेरे साथ फंसी हैं और मैं आपके साथ. ये लो दवाई खा लो आप. ये लो. मम्मा यार देखो ना, टैंकर मुझसे झगड़ा कर रही है. जा जा दे. मेरे विजु और रिकी की दवा में क्या कमी होगी? मैं तो वही खाऊं. इस तरह तुम लोगों का झगड़ा चलता रहा ना तो देखना ना तुम रॉक कॉन्सर्ट जा सकोगे ना. शट. अरे मैं क्यों नहीं, ये बात क्यों चल रही है? चुप रहो. सर में दर्द हो गई है मेरे. जाओ अपने कमरे में. नहीं, एनिमल के साथ नहीं रह सकता लाइफ में. तो तुम दोनों यहाँ हो? वो रंजित भाई ढूंढ रहे थे तुम्हें.
अरे आंटी, बस हम जाने वाले थे, हम ऋतिक को बाय बोलने आए थे। तो बाय हो गई? वो देखो पापा बुला रहे हैं ना तुम्हें। जी आंटी, फिर चलते हैं फिर। बाय आंटी। बाय। गॉड, ओह गॉड, हम बाय बोलने आए थे। मैंने कुछ नहीं किया वैसे भी, वो आ रही थी मेरे पास। करने कहने के लिए कुछ नहीं है, मैं सब समझती हूँ, देख रही थी मैं। वो रंजन भाई ना तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं नहीं चाहती कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए। Why would it be a problem? मुझे पता है सब, कि लेडीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये मीनिंगलेस फ्लर्टिंग ना। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ विमेन की, लेडीज की। आप बस अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें, माँ हूँ तुम्हारी मैं। दादी दादी दादी, ऋषभ कहाँ है? हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटीज है, वही पूरी करने के। मिस्टर नून, हाउ इज शी डॉक्टर? आपकी मदर को होश आया था, उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई नई दवाई ली थी आप ही की कंपनी की। तो बेटा ये पेपर में क्या छपा है? ऑक्सीजन के फॉर्मूला में प्रॉब्लम है, ये बात पता थी हमें। कहानी खत्म आपके सर जी, चलिए। आप क्यों जाएंगे? गलती मेरी है ना। मैं कंपनी मेरी है और मेरे जाने बिना इस कंपनी में कुछ नहीं होता। ये देख, विजयपत को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पर इनको क्यों यार? ऋत्विक में उनकी गलती थी ना। तुम लोगों की जान बचानी चाहिए, तुम लोगों की जान रिस्क पर डाल रहे हो। तुम्हारे खुद की दादी हॉस्पिटल में, यू नो दैट मेडिसिन हैड नथिंग टू डू विद माय ग्रैंडमदर। चेक कर लेना रिपोर्ट्स। इट इज बिकॉज़ ऑफ दैट। देन प्रूव मी रॉन्ग, जॉइन माय कंपनी।